सभी मेरे मीडिया के भाइयों को, बहनों को, सबको प्रणाम है। और मैं यही कहूंगी कि महिला अस्मिता, आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने, महिलाओं को लज्जित और अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकारती है, इसलिए जब वह वर्षों से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करती है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आती है, देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जत घर लखपति दीदी योजना लाती है। इसके विपरीत कांग्रेस हर समय देश की महिलाओं को लगातार अपमानित करती रहती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां नारी शक्ति के सम्मान को लेकर पूरे देश में सकारात्मक अभियान चला रहे हैं, देश के गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है और आप सबको पता है, जिसमें कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला कैथल जिले में किसी गांव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभा करते हुए पद्म सम्मान से सम्मानित और मथुरा सांसद आदरणीय हेमा मालिनी जी पर निंदनीय और अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे। उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। उनके जो शब्द हैं मैं आपके सामने नहीं बोलना चाहती हूँ इस मंच पर जो है बहुत ही ज्यादा अपमानजनक शब्द थे। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हेमा मालिनी जी कोई ऐसे ही महिला नहीं है। उन्होंने बहुत संघर्ष करा है, बॉलीवुड में उनका बहुत नाम है, दो बार मथुरा से वह सांसद रह चुकी हैं, कला है, संस्कृति है, फिल्म क्षेत्र में उन्होंने भारत ही नहीं विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है। और मेरी चुनाव आयोग से ये अपील है कि इस मामले में सुरजेवाला की अमर्यादित टिप्पणी पर संज्ञान लें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। और केवल सुरजेवाला ही नहीं जिन्होंने हेमा मालिनी जी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करी है, उनकी बल्कि कांग्रेस की महिला नेताओं ने भी बारंबार दूसरे दलों की महिला नेताओं पर टिप्पणियां करी हैं, निम्न स्तरीय की टिप्पणियां करी हैं। सुप्रिया शिनेत का मामला आप सबके सामने है, उन्होंने इस तरीके के अभद्र टिप्पणी या लगातार कर रही है। कांग्रेस की आईटी सेल का एक बहुत बड़ा कांड आया, आप लोग सब जो है इन्फॉर्मेशन में हैं, सबको सब डिजिटल उसमें हैं आप लोग, आपको पता है ये बात कि जो है चिराग पटनायक जो कांग्रेस आईटी सेल का सदस्य था उसको जो है पूर्व सहकर्मी के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में जमानत पर उसको छोड़ दिया गया था। चिराग जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी थे और चिराग पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल में काम करने वाली ही एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आईटी सेल की दो महिला सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यह और भी बहुत सारे किस्से हैं कांग्रेस पार्टी के जो महिलाओं के प्रति जो है लगातार अपमानजनक जो है उनके व्यवहार को दर्शाते हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जिस महिला पार्टी, मैं कहूंगी सोनिया जी उसकी पार्टी की सर्वे सर्वा है, उस पार्टी में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। फिर से बताती हूँ, कांग्रेस सरकार के मंत्री की महिलाओं के साथ गलत हरकतें जब सामने आई, एक महिला पत्रकार ने ही डेली ओ में आर्टिकल लिखा है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान किस तरह से मीडिया के चहेते एक केंद्रीय मंत्री उनके साथ अश्लील हरकत करते थे। ऐसे बहुत सारे हैं, शांति धारीवाल के बारे में अगर मैं कहूं, वह कांग्रेस सरकार में मंत्री थी और अशोक गहलोत के सबसे करीबी शांति धारीवाल ने भरी विधानसभा में कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। कमलनाथ जी पे जो है कहा गया कि वो तो सीरियल ऑफेंडर है, पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी की एक महिला नेता के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था।
इसके पहले भी उन्होंने विधानसभा के चुनाव के दौरान महिलाओं को सजावट का सामान कहा था। तो ऐसे बहुत सारे जो है किस्से हैं। शशि थरूर, जिनको जो है कांग्रेस बहुत यूलोजाइज करती है, उन्होंने जो है हमारी मिस वर्ल्ड जो है मनुषी का बहुत मजाक उड़ाया था। कहा जो है बीजेपी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा का विश्व भर में वर्चस्व है। देखिए, हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई, ये बात उन्होंने बोली थी। तो इस तरीके की बातें जो है बड़ी पता स्वाभाविक रूप से जो है कांग्रेस पार्टी चलाती रहती है, बोलती रहती है, इसके लोग बोलते रहते हैं, उसके बाद फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये बड़ा दोहरा इनका चरित्र है। और ये जो उदाहरण दिए हैं, सिर्फ ये नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु संघवी के साथ इंडी गठबंधन के नेता आजम खान सहित कई लोगों ने महिलाओं को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी करी है, करते रहे हैं। और मुझे लगता है देश की मातृशक्ति के प्रति इनकी अमर्यादित टिप्पणियां, सोच और अपमानजनक हरकतों का जवाब 2024 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह लीडरशिप में हम लोग सब बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे बढ़ रही है, जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 400 के ऊपर आंकड़ा पहुंचेगा। ये प्रियंका गांधी 2022 विधानसभा चुनाव में अभियान चलाई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लगातार महिलाओं की बात करती है, लेकिन जिस तरह से उनके ही नेता इस तरह से महिलाओं ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, क्या कहेंगी प्रियंका गांधी जी, आप क्या कहेंगी? आप वो वाली 2022 की उनकी भी आप रैलीज देखिए जिसमें स्कूटर बांटी गई थी और उसमें जो है उन्होंने एक मैराथन कराई थी। कहा गया था कि जो है उसमें कहा गया कि भाई मैराथन में लड़कियां दौड़ेंगी उनको प्राइज मिलेगा। उसमें कितनी अव्यवस्था थी, भद्दी व्यवस्था थी। और उन्होंने यह बात बार बार कही कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उन्होंने बार बार ये बात अपने मंचों से कही और उसी कार्यक्रम में कितनी लड़कियों को चोट लग गई, कितनी बच्चियां घायल हो गई। तो यह दोहरा चरित्र है इनका, कभी ये लोग कभी ये कभी नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए अगर इतना ही है तो इस तरीके की टिप्पणी इनके स्पोक्स पर्सन से, इतने सीनियर लीडर से कैसे आ सकती है? क्योंकि पार्टी का प्रेशर है इनको कि हम जो भी चाहें किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, और ये इनकी सोच परिलक्षित कर है। इतनी इनकी प्रतिबद्धता ये नहीं है कि हम महिला आरक्षण के लिए या हम महिला सुधार के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। इनका बस ये है कि किसी भी तरीके से हम न्यूज में बने रहे, क्योंकि कांग्रेस अब समाप्त होती जा रही है, लोगों को उसका असली चेहरा पता चलता जा रहा है। सवाल ये है कि बीजेपी ने सीटों पर प्रत्याशी देखिए, ये बात अभी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और क्योंकि आपने यह सवाल किया है मैं बोलना चाहती हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, जैसा सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी अपर्णा यादव वो करेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, अब इस तरीके के उनके तो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, तो मैं आज एक बात जरूर इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जो भी अपमान कर रहा है महिलाओं का, जब जो है दुर्योधन जैसे लोग नहीं बचे तो ये तो देखिए सुरजे वाला है। और जो है महाभारत में क्या हाल हुआ था इन लोगों का, आपको सबको पता है, महाभारत सबने देखी, हम लोग भारतीय संस्कृति परंपरा से हैं। तो इसी तरीके से ये सुरजेवाला जी का हाल होगा, कांग्रेस पार्टी का हाल होगा, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष को देखिए, वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हर व्यक्ति को कांग्रेस का असली चेहरा पता चल चुका है, और हर व्यक्ति यह जानता है कि ये लोग जो है सिर्फ जो है झूठ बातें बोलते हैं और हमेशा जो है लोगों को गुमराह करने का बात बोलते हैं। और इस तरीके की, क्योंकि आप जैसे मीडिया के लोग इतने अच्छे हैं और मैं समझती हूँ कि जनता के सामने इनका जो है सच उजागर हो रहा है कि ये लोग इतनी चीप बातें कर रहे हैं, इतनी अपमानजनक बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए, चाहे कई विषयों पर लेकर के चलिए, तो इस तरीके का इनका सच उजागर हो रहा है। इसलिए यह उस परिस्थिति में नहीं है कि यह अपने ही कहीं जो है लड़ सके। और जहां तक जो है अमेठी रायबरेली की बात है, वह भी